क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 11 जनवरी से तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये टेस्ट मैच निर्णायक है और जो भी जीतेगा वो सीरीज को अपने नाम करेगा। मौसम और केपटाउन की पिच ऐसी है कि वहाँ नतीजा निकलना तय है, यानी कि मैच का नतीजा आएगा और सीरीज का भी नतीजा आएगा। अब टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में शानदार खेल दिखाया और यहाँ सीरीज जीतने की प्रबल दावेदार भी है, तो ऐसे में अफ्रीकी कप्तान बेहद गंदी हरकत पर उतर आए। जी हाँ, डीन एल्गर ने तीसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले गंदी बेहुदा हरकत की है। टीम इंडिया के कप्तान पर बेहद गंदी बात कही है, जिस पर दिग्गज भी भड़क गए। तो क्या क्या कहा डीन एल्गर ने, क्या होगा इसका नतीजा और दिग्गजों ने कैसे लगाई लताड़, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और डीन एल्गर की गंदी बात पर कमेंट जरूर करें। तो साउथ अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर ने अकेले दम पर दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को हरा दिया। पहले टेस्ट मैच में भी एल्गर ने लड़ने का मादा दिखाया था लेकिन कर नहीं पाए, मगर दूसरे टेस्ट मैच में अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। अब इस जीत से एल्गर का घमंड सातवें आसमान पर नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी बातों से यही निकल रहा है, यही झलक रहा है। अफ्रीकी चैनल स्पोर्ट्स 24 के साथ डीन एल्गर ने बात की, जिसमें तीसरे टेस्ट मैच से पहले बहुत सारी बातें गई। पहले तो एल्गर ने कहा कि उनकी टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में काफी अच्छा खेल दिखाया और कगिसो रबाडा ने खुद को साबित करके दिखाया, और अब केपटाउन में भी रबाडा अपना वही खेल दिखाया जो कि हमेशा वहां दिखाता रहा है। अब इसके बाद एल्गर से सवाल पूछा गया कि क्या उनकी टीम अनुभवहीन नहीं है, उनकी टीम में नए खिलाड़ी हैं, तो क्या ये भारत जैसी बड़ी टीम के खिलाफ मुश्किल नहीं होगी। तो डीन एल्गर ने यहीं पर गंदगी की शुरुआत कर दी। डीन एल्गर ने कहा कि भारतीय टीम अनुभवी है, तो उसने क्या कर लिया दूसरे टेस्ट मैच में आपने देखा। डीन एल्गर ने आगे कहा, मैच अनुभव से नहीं बल्कि खेल से जीते जाते हैं, और अनुभव की ही बात करें तो वो कप्तानी में काम आता है, जो कि दूसरे टेस्ट मैच में दिखा जब हमने इंडिया को हरा दिया और राहुल पूरी तरह से अनुभवहीन कप्तान साबित हुए। डीन एल्गर ने दूसरे टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले केएल राहुल पर बेहद गंदी टिप्पणियां की। एल्गर ने कहा कि टेस्ट मैचों में कप्तानी करना आईपीएल खेलने जैसा या फिर आईपीएल में कप्तानी करने जैसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, और अपने मालिक के लिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनके हिसाब से कप्तानी करने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। डीन एल्गर यहीं पर नहीं रुके, डीन एल्गर ने कहा कि राहुल को सिर्फ आईपीएल पर ही ध्यान लगाना चाहिए और टेस्ट मैचों में या फिर इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये राहुल के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कप्तानी करें और यही उनके लिए और उनकी टीम यानी कि भारत के लिए भी ठीक होगा। अब ये तो डीन एल्गर की बेहद गंदी और बेहुदा टिप्पणी थी। अब ये ठीक है कि राहुल ने कप्तानी के मोर्चे पर दूसरे टेस्ट मैच में निराश किया, लेकिन किसी भी विदेशी के पास ये कहने का हक नहीं है कि वो भारत के कप्तान के बारे में कुछ भी गलत शब्द बोले, और खास तौर पर राहुल जैसे बड़े खिलाड़ी के बारे में इस तरह से गंदी बातें करें। अब यहाँ पर साफ था कि डीन एल्गर तीसरे टेस्ट मैच से पहले दबाव बनाना चाहते हैं केएल राहुल पर, जो कि टीम इंडिया की जीत की धुरी साबित हो सकते हैं, और अगर राहुल चल पड़े तो अफ्रीकी टीम के लिए जीत बेहद मुश्किल होगी, और इसीलिए राहुल को निशाना बनाया गया और वो भी कप्तानी को लेकर, क्योंकि बल्लेबाजी में उनके नुक्स निकालना किसी के बस की बात नहीं। अब डीन एल्गर के इस बयान पर, इस गंदी टिप्पणी पर सुनील गावस्कर ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि राहुल अपने पहले इंटरनेशनल मैच में कप्तानी कर रहा था और उसे सीधे ही टेस्ट मैच में कप्तानी करनी पड़ी, जो कि काफी मुश्किल होती है, और डीन एल्गर को राहुल की मदद करनी चाहिए थी, ना कि इस तरह की गंदी टिप्पणी करनी चाहिए, और ऐसी बातों से डीन एल्गर को बचना चाहिए और अपने पूर्व खिलाड़ियों से कुछ सीखना चाहिए। गौतम गंभीर तो एक कदम आगे पहुंच गए, डीन एल्गर की टिप्पणी पर बेहद बुरी तरह से उन्होंने लताड़ लगाई और चैलेंज तक दे दिया कि जो बातें हैं वो राहुल के सामने कह रहे हैं, राहुल के लिए कह रहे हैं, वही हरकतें वही बातें विराट कोहली के सामने करके दिखाए, क्योंकि तीसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली के बतौर कप्तान वापसी होगी। गंभीर ने कहा कि तीसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली न सिर्फ मैदान में बल्कि बातों से, हाथों से, हर जगह से डीन एल्गर का घमंड तोड़ेंगे और अफ्रीका को हराकर सीरीज को भी अपने नाम करेंगे। अब हम तो इतना ही कहेंगे कि डीन एल्गर को इस तरह की भाषा का, इस तरह की ओछी लैंग्वेज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़े स्तर पर कप्तानी कर रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और गंभीर ने बिल्कुल सटीक बात कही कि अब विराट कोहली एल्गर के घमंड को चूर चूर करेंगे मैदान में अपने हाथों से, बातों से और अपने खेल से। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, डीन एल्गर के गंदे बोलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया को जोहानिसबर्ग के मैदान में टेस्ट मैचों में कभी भी हार नहीं मिली, मगर इस बार शर्मनाक ढंग से वो रिकॉर्ड भी टूट गया और टीम इंडिया हार गई।
अब हैरानी की बात यह है कि अफ्रीका की टीम इतना अच्छा नहीं खेली जितना कि खराब भारतीय टीम खेली, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग या फिर फील्डिंग, हर जगह फेल्योर नजर आया। ऐसे में मैच के बाद टीम इंडिया के 5 खिलाड़ियों को हार की वजह बताया जा रहा है और खुद कप्तान राहुल ने इनके नाम भी लिए। केएल राहुल ने सबसे पहला नाम खुद का लिया। जी हाँ, पहली पारी में ठीक ठाक स्कोर बनाने वाले राहुल ने खुद को मैच में हार की बड़ी वजह बताया। राहुल ने कहा कि मुझे दूसरी पारी में और ज्यादा बेहतर करना चाहिए था, जब हमें जरूरत थी तो तब तो बिल्कुल रन बनाने चाहिए थे, क्योंकि आपकी परख ऐसे ही मौकों पर होती है, लेकिन मैं फेल हो गया और हमारी टीम भी हार गई। अब वैसे राहुल की कप्तानी भी बेहद धीमी रही, उनकी कप्तानी में आक्रामकता का भाव दिखा जिसने अफ्रीकी टीम को जमकर रन बनाने दिया। मौका भारत के हाथ से निकल गया और टीम इंडिया मैच भी हार गई। और हार के पहले विलन है कप्तानी करने वाले, जी हां, खराब कप्तानी करने वाले केएल राहुल। टीम की हार के दूसरे विलन है अजिंक्य रहाणे। जी हाँ, रहाणे ने भले ही दूसरी पारी में अर्धशतक बनाया, रन भी बनाए, लेकिन जैसे ही मैच बचाने के बाद मैच बनाने की बारी आई, यानी कि रहाणे को जब बड़ा शतक मारकर मैच को भारत के कब्जे में करना था, तब रहाणे एक बार फिर से फेल हो गए। और बड़ी बात नहीं होगी कि अगले मैच में विराट कोहली टीम में वापसी करते हैं तो अजिंक्य रहाणे को ही टीम से बाहर होना पड़े। हनुमा विहारी ने काफी अच्छा खेल दिखाया और इसीलिए दूसरे मैच में दूसरे विलन अजिंक्य रहाणे। मैच के तीसरे विलन है ऋषभ पंत। जी हाँ, वही ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपिंग में रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बना रहे हैं, धोनी को पीछे छोड़ रहे हैं, मगर बैटिंग में बिल्कुल फुस हो गए हैं। ऊपर से ईगो इतना बड़ा बना लिया है कि अफ्रीकी टीम उन्हें छेड़ती है और वो जोश में आकर अपना विकेट गिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि विरोधियों को अब पता चल चुका है कि पंत को उकसा वो विकेट फेंक कर गिफ्ट में दे देगा। और लगातार हर विदेशी दौरे पर यही हो रहा है और ये लापरवाही की इंतहा है। तो दूसरी पारी में जिस तरह से ऋषभ पंत ने विकेट फेंका तो वो हार के सबसे बड़े विलन साबित हो रहे हैं। टीम इंडिया की हार के चौथे विलन है रवि अश्विन। जी हां, अश्विन बार बार खुद को विदेशी धरती पर टेस्ट मैच खिलाने की मांग करते हैं, इसे लेकर रोना भी रोते हैं कि उन्हें विदेशी धरती पर मौके नहीं मिलते। इंग्लैंड में खूब ऐसा ही हुआ, मगर जो खेल वो यहां पर दिखा रहे हैं, ऐसे खेल में तो अश्विन को टीम से बाहर करना ही ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ही असरहीन गेंदबाजी अश्विन ने की, न तो उनकी बॉल पर रन रुके और ना ही वो अश्विन विकेट निकाल पाए। अफ्रीकी बल्लेबाजों ने बेखौफ होकर उन्हें खेला, पूरी तरह से अश्विन फीकी दुकान साबित हुए और हार के बड़े विलन अश्विन भी साबित हुए। टीम इंडिया की हार के पांचवे विलन है मोहम्मद सिराज। जी हां, सिराज इतने ज्यादा एक्साइटमेंट में आ रहे हैं कि खुद को ही चोटिल कर रहे हैं और दूसरे टेस्ट मैच में कुछ ऐसा ही हुआ, सिराज ने खुद को चोटिल कर लिया और फिर उसके बाद उनकी गेंदबाजी पूरी तरह से फुस हो गई। उनकी गेंदबाजी औसत से भी कम दर्जे की नजर आई और उनकी फीकी गेंदों पर बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए और हार की बड़ी वजह मोहम्मद सिराज भी बने। और बड़ी बात नहीं होगी अगर उनकी जगह पर अगले मैच में उमेश यादव को मौका मिल जाए, मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर कर दिया जाए। अब हैरानी ये भी रही कि राहुल ने भी अश्विन और सिराज का नाम लिया और कहा कि हमारी गेंदबाजी और बेहतर होती तो 240 रन का स्कोर ठीक ठाक था, उसे बचाया जा सकता था और कुछ और बेहतर परिणाम हो सकता था। यानी कि टीम इंडिया हार गई, 5 खिलाड़ियों ने एक तरह से पूरे मैच में भारत को पीछे कर दिया। तो आपका इन 5 खिलाड़ियों पर क्या कहना है, क्या यही है हार के असली विलन या फिर कोई और भी नाम आपके जहन में है जो कि टीम इंडिया की हार की वजह बने हैं? तो आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।